भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय मेहतारी ब्यूटी सोप। पुलिस थाना ज्वाली के अधीन कोटला पुलिस चौकी की टीम ने नियमित नाके के दौरान गुरुवार रात को कोटला में जड़ी बूटी से भरा हुआ एक ट्रक पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है। प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त ट्रक HP 65A 9011 मंडी जिला के लोहारडी ब्रोड से जड़ी बूटी को लोड करके अमृतसर को लेकर जा रहा था। जैसे ही कोटला में ये ट्रक पहुँचा तो कोटला पुलिस ने इस ट्रक को रोक कर इसकी तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान ट्रक में बोरियां पाई गई तथा बोरियों को खोलकर देखा तो उसमें जड़ी बूटी निकली। इसके बारे में DSP ज्वाली सिद्धार्थ शर्मा व RO ईश्वर दास को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही DSP ज्वाली सिद्धार्थ शर्मा, पुलिस चौकी कोटला प्रभारी संजय शर्मा ने अपनी टीम के साथ जांच शुरू की तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी ईश्वर दास को भी मौके पर बुलाया गया तथा इन जड़ी बूटियों मिंडल कुटब्रम बूटी की 228 बोरियों को ट्रक से उतारकर वजन किया गया। जड़ी बूटी का कुल वजन 40 क्विंटल है। पुलिस ने ट्रक सहित सारी जड़ी बूटियों से भरी बोरियों को अपने कब्जे में ले लिया है तथा आगामी जांच शुरू कर दी है। DSP ज्वाली सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि पुलिस ने कोटला में जड़ी बूटी से लदा हुआ एक ट्रक पकड़ा है तथा इस एवज में ट्रक को जब्त कर लिया है। बचालक अलकू राम पुत्र नरोत्तम राम निवासी शान जोगिंदर नगर, नानक चंद पुत्र डांगी राम निवासी घुरातु जोगिंदर नगर व सुरजीत सिंह पुत्र रविंद्र नाथ निवासी जोगिंदर नगर को अरेस्ट कर लिया है। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए ज्वाली से अमरजीत सिंह की रिपोर्ट। या तो रख सा अभिमान, या तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।